कहते हैं जब दिमाग पर हावी होता है शैतान तो जन्म लेता है एक हैवान। और कुछ ऐसा ही हुआ आरा में, जब लुटेरों ने लूट के जेवरात का बंटवारा करते वक्त एक दूसरे को गोली मार दी। ये रिपोर्ट देखिए। लूट के माल के बंटवारे में विवाद, एक लुटेरे ने दूसरे को मारी गोली, गोली लगने से लुटेरा हुआ घायल। गोली मारने वाला आरा में बम कांड का भी है आरोपी। मामला बिहिया थाना क्षेत्र के साहिब टोला गांव का है, जहां लूटे हुए जेवर के बंटवारे के विवाद में एक लुटेरे ने दूसरे लुटेरे को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। आनंद फानन में जख्मी को आरा सदर अस्पताल लाया गया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बताया जाता है कि दो लुटेरे कहीं से सोने की चेन को लूट कर लाए थे। इस दौरान साहिब टोला गांव के पास आपस में बंटवारा कर रहे थे, तभी दोनों में विवाद हो गया। दोनों अपराधी आपस में ही भिड़ गए। देखते ही देखते मामले ने इतना तूल पकड़ा कि एक अपराधी ने पिस्टल निकाल कर दूसरे को गोली मार दी, जिससे वो जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाकर देर रात भर्ती कराया गया। बिहार थाना द्वारा जख्मी व्यक्ति को लाया गया था, तो बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में क्या बताया है, किस तरह का था? जख्मी को आपराधिक पृष्ठभूमि का बताया गया है। हमले का एक आरोपी आरा के एक मॉल बम कांड का आरोपी छोटू राय है, जबकि गोली लगने से घायल बड़हरा के लोहर फरना गांव का निवासी शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न सिंह को 3 महीने पहले ही शराब के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल से जमानत पर छूटने के बाद बिहिया इलाके में ही उसने शरण ले रखी थी। सोने की चेन के बंटवारे को लेकर छोटू राय और शत्रुघ्न सिंह में विवाद हो गया, जिसके बाद छोटू राय ने शत्रुघ्न सिंह पर गोली चला दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। पीठ में गोली लगने से शत्रुघ्न जख्मी हो गया और इलाज के लिए बिहिया PHC लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। गुना के लिए आरा से अटल बिहारी पांडे की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।